एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसे कि हम जानते हैं, नवरात्रि चल रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम MTTM का एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ग्राइंडिंग का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इससे आगे के पार्ट के लिए हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ग्राइंडिंग बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम जो हमारा वर्कपीस है उस पर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग में हम एक व्हील यूज़ करते हैं, और उस व्हील को हम कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील। हम ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से जो भी हमारा वर्कपीस है उस पर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे रिमूव कर देते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है वो या तो पाउडर फॉर्म में होता है, या तो उसके बहुत ही फाइन चिप्स यानी कि छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, और हमारी जो वर्कपीस है उसकी सरफेस फिनिशिंग हो जाती है, यानी कि उस पे से जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हट जाता है, और हमारे वर्कपीस की सरफेस बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देती है। तो यही है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। अगर मेन इसका काम बताएं तो इसका मेन काम यही है कि ये हमारे वर्कपीस की फिनिशिंग अच्छी लाती है, और इस पे से जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे रिमूव करती है। अब हमने आपको ये बताया कि यहाँ इस ऑपरेशन में एक व्हील यूज़ होता है, और उस व्हील का नाम है ग्राइंडिंग व्हील। सो ग्राइंडिंग व्हील दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज़ एब्रेसिव एंड सेकेंड इज़ बॉन्डिंग। एब्रेसिव मटेरियल्स एंड बॉन्डिंग मटेरियल्स, इन दो इंग्रेडिएंट को मिला के हम अपना जो ग्राइंडिंग व्हील है उसे बनाते हैं। एब्रेसिव काम करते हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है वर्कपीस के ऊपर उसे रिमूव करने का, और बॉन्डिंग मटेरियल काम करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स को पकड़ के रखने का। यानी कि हम बॉन्डिंग मटेरियल्स में एब्रेसिव पार्टिकल मिलाते हैं, और वो बॉन्डिंग मटेरियल उन एब्रेसिव पार्टिकल को अच्छे से बॉन्ड कर देते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई शेप या कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। जैसे कि व्हील हमें बनाना है तो हम व्हील का स्ट्रक्चर उन्हें दे देते हैं, जिससे हमारा ग्राइंडिंग व्हील मिलके एक बॉन्डिंग मटेरियल और एब्रेसिव पार्टिकल मिलके एक ग्राइंडिंग व्हील बना देते हैं। अब अगर हम ग्राइंडिंग व्हील की बात करें तो इसमें 5 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो बेसिक हैं। तो वो 5 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं एब्रेसिव मटेरियल्स, ग्रेन साइज, बॉन्डिंग मटेरियल, व्हील स्ट्रक्चर एंड व्हील ग्रेड। ये 5 चीज़ें ऐसी होती है, ये 5 बेसिक ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील के लिए ज़रूरी हैं। इनको आपको चूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत सोच समझ के ये 5 पैरामीटर्स जो हैं इन्हें सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद ही आप एक अच्छा ग्राइंडिंग व्हील बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के फर्स्ट पैरामीटर की, जो है एब्रेसिव मटीरियल। एब्रेसिव मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। इन्हें ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन में कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कटिंग इन द सेंस जो हमारा वर्कपीस है उस पर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए हम एब्रेसिव मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। इट मे बी क्लासीफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यहाँ मे बी वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम एब्रेसिव्स को और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसको फर्दर क्लासीफाई भी किया जा सकता है, बट हमने यहाँ सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन आपको दिखाए हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो इसीलिए हमने यहाँ ये वर्ड यूज़ किया है मे बी। इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बट हम आपको इसकी थोड़ी डीपली बताएं, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होता है वो बताएं। तो नेचुरल जो एब्रेसिव मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स होते हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। अब क्योंकि हमें कोई चीज़ डायरेक्ट नेचर से मिल रही है तो वो डिससिमिलर होगी, यानी कि उसकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी प्रॉपर्टीज़ एंड शेप और साइज़ भी आपको रैंडम मिलेगा, लेकिन वो हमें नेचर से मिल रहे हैं तो इसीलिए हमने इसे नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल्स कहा है। और इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो वो एग्ज़ाम्पल आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। ये हैं सैंडस्टोन, कॉरेंडम हो सकता है, डायमंड हो सकते हैं, ये इनके एग्ज़ाम्पल हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल्स।
आर्टिफिशियल, जैसे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, आर्टिफिशियल हैं, यानी कि खुद बनाए गए हैं। अब जब हम किसी चीज़ को खुद बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हमें नेचुरल से नहीं मिल रही है, हम इसमें वो प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दें, यानी कि हमें जो नेचर से मिल रहे थे वो डिससिमिलर थे, तो हम ये चाहेंगे कि अब हम जो भी अपने मटेरियल्स लें वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हों। तो आर्टिफिशियल में सबसे पहला एडवांटेज तो यही आ जाता है कि हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एब्रेसिव मटेरियल्स मिल जाते हैं। देन अगर देखें तो आर्टिफिशियल में इम्प्योरिटी भी कम मिलती है हमें, क्योंकि हम उसे खुद बना रहे हैं तो इम्प्योरिटी ऑब्वियसली कम ही रखेंगे। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल्स। आर्टिफिशियल्स में आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एंड सिलिकॉन कार्बाइड होता है एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं। बट अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है अगर कंपेयर करें बाकी के, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड इज़ मोर हार्ड एंड ब्रिटल देन द अदर आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल्स। तो इसीलिए हम यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन में, क्योंकि इसके जो ये ज़्यादा हार्ड है और ये ब्रिटल भी है। ब्रिटल है तो इसकी अच्छी बात ये है कि जैसे ही इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होंगे, यानी कि जैसे ही इनके जो पार्टिकल्स हैं वो टूटेंगे तो नई एजेस अपने आप बन जाएंगी, यानी कि ऑटोमेटिक काम होता है यहाँ पे। जैसे ही एक एजेस ब्रेक होती है सेकंड एज अपने आप आ जाती है। तो ये है हमारे एब्रेसिव मटेरियल्स। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग मटेरियल। बॉन्डिंग मटेरियल बेसिकली जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉन्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हम मिक्स करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स को हमारे सुटेबल बॉन्डिंग मटेरियल में, और फिर प्रेशर अप्लाई करके, यानी कि सुटेबल प्रेशर, जितना हमें प्रेशर चाहिए उसे अप्लाई करके उसे एक व्हील का स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिससे हमें हमारा ग्राइंडिंग व्हील मिल जाता है। हमारे जो बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जिनके एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जो इसमें फर्स्ट होता है वो होता है वर्टिफाइड बॉन्डिंग मटेरियल, देन सिलिकेट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, रेजोनॉइड बॉन्ड, शेलिक बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो हमारे बॉन्डिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनके लिए। इनको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, इतना काफ़ी होगा। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो आपको वीडियो में दिखाया गया है, आप चाहें तो इसकी फर्दर नॉलेज ले सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको सिर्फ इन बॉन्डिंग मटेरियल्स के नाम ही बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील की। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड्स क्या होते हैं अब मैं आपको ये बताऊँगी। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो आपको अब ये पता चल गया होगा कि एब्रेसिव मटेरियल और बॉन्डिंग मटेरियल से मिलके बनता है, बट हमारे जो ग्रेड्स होते हैं वो बताते हैं ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस, कि हार्डनेस उस ग्राइंडिंग व्हील की कितनी है। तो जो हार्डनेस होती है ग्राइंडिंग व्हील की वो एब्रेसिव पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है कैपेसिटी पे बॉन्डिंग मटेरियल की, यानी कि बॉन्डिंग मटेरियल कितनी कैपेसिटी से उन एब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्ड कर सकता है, यही होती है हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो इस हार्डनेस को दिखाने के लिए हम कुछ ग्रेड्स यूज़ करते हैं, और वो ग्रेड्स होते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि ए बी सी डी जो हम यूज़ करते हैं वो। तो अगर हम ग्रेड ए ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो हार्डनेस है वो मिनिमम है, और जेड ले रहे हैं तो हार्डनेस मैक्सिमम है। सो, अब आपको पता चल गया होगा कि ग्रेड्स हमारी सिर्फ हार्डनेस बताते हैं उस ग्राइंडिंग व्हील की। सो, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।